कोरबा से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। एक परिवार के तीन लोग नहर में बह गए हैं। नहाने के दौरान माँ बेटा बेटी नहर में बहे, 1 किलोमीटर दूर महिला की लाश मिली है। दो लोग अब भी ढूंढे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं। सीएसईबी चौकी के राताखार जोड़ा पुल के पास की घटना है। एक बड़ी खबर है कोरबा से, परिवार के तीन लोग बह गए। धीरज दुबे हमारे साथ जुड़ गए। धीरज बताएं क्या जानकारी मिल पाई। देखिए, ये महिला थी, ये मैगजीन भाटा की रहने वाली थी, पंप हाउस के पास में ही, मानिक पुलिस का नाम है। और ये अपने 14 वर्षीय बेटी सिमरन और 8 साल के बेटे प्रतीक के साथ यहाँ नहर नहाने गई थी। इस दौरान इनका संतुलन बिगड़ा, बच्चों को बचाने के फ्रेम में महिला भी लगा दी, जिसके बाद में महिला से उनको बचाने के दो युवक भी उनको बचा नहीं सका। बाद में 1 किलोमीटर आगे महिला की झाड़ियों में फंसी लाश मिली है और जो बच्चे है वो आगे बह गए हैं, उनका तो पता नहीं चलता है। यहाँ डायरेक्ट 112 और पुलिस को सूचना दी गई है, जिसके बाद में गोताखोरों की मदद से इनको तलाशा जा रहा है। साथ में नहर को पानी भी कम कराया जा रहा है, ताकि जो बच्चे हैं उनको बरामद किया जा सके। शुक्रिया आपका धीरज जिस जानकारी के लिए। तो दो लोगों की तलाश की जा रही है, सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।